ग्रेविटी का कोई बड़ा और अतिरिक्त स्रोत शायद गैलेक्सीज को एक साथ थामे हुए है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर अपने टेलीस्कोपों का मुंह किधर भी कर दें, उन्हें कुछ नहीं दिखता, न कोई चमक न कोई छाया। ये नई चीज जो भी है, ना तो ये प्रकाश छोड़ती है, ना रिफ्लेक्ट करती है, और ना उसे रोकती है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं डार्क मैटर। हमने ये सीखा है कि ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर मैटर कोई आम चीज नहीं है। ये एटम नहीं है, ये ऐसे पार्टिकल नहीं है जिन्हें हमने पृथ्वी पर प्रयोग करके हाल में ही ढूंढा है। ये नए किस्म के पार्टिकल हैं जिन्हें हम कहते हैं डार्क मैटर। ब्रह्मांड इस डार्क मैटर से भरा पड़ा है। सामान्य मैटर के मुकाबले इसकी मात्रा 5 गुनी है। पूरे कॉस्मोस में विशाल फिलामेंट फैले हुए हैं। चमकदार गैलेक्सीज वहां इकट्ठा होती हैं जहां डार्क मैटर सबसे घना होता है। डार्क मैटर असल में इस चीज को तय करता है कि ब्रह्मांड में मैटर का जो रूप है वो क्या होना चाहिए, ये कहां जाता है, ये क्या करता है। यानी डार्क मैटर के जरिए ही तय हुआ कि ब्रह्मांड का विकास कैसे होगा। ऐसा लगता है कि बिग बैंग के बाद सबसे पहले डार्क मैटर कंडेंस हुआ एटम से पहले, और फिर डार्क मैटर के गुच्छे बनने लगे। इसके बाद इन गुच्छों की तरफ बाद में बनने वाले एटम आकर्षित हुए और इन्हीं से ही गैलेक्सीज बने। एक तरह से डार्क मैटर जैसे गर्भ है जिसमें से हमारी गैलेक्सी का जन्म होता है। डार्क मैटर इस ब्रह्मांड को एकजुट रखे हुए है, लेकिन इससे इसकी बर्बादी का डर भी है। पिछले कुछ एक दशकों की सबसे कमाल की खोजों में से एक है डार्क मैटर। हमें जितना पता था ब्रह्मांड में उससे कहीं ज्यादा मैटर मौजूद है, और इस सारे मैटर की काफी ग्रेविटी है। तो ये सारा नया मैटर, ये सारी नई ग्रेविटी ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार को धीमा कर रही होगी। डार्क मैटर तो कॉस्मोस की इस तराजू के पलड़े को ग्रेविटी के पक्ष में झुका भी सकता है। इससे फैलाव की हार होगी और आग लगने से पूरे ब्रह्मांड की मौत हो जाएगी। इसे कहते हैं बिग क्रंच, और ये कुछ इस तरह से होगा। 1 सेकंड के जरा से अंश के लिए ब्रह्मांड फैलाव और सिकुड़ाव के बीच थम जाएगा, और फिर ग्रेविटी एक उथल पुथल की शुरुआत करेगी। जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जिन गैलेक्सीज को देख रहे हैं वो आपसे परे जाने के बजाय आपकी तरफ आना शुरू कर रही हों। लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड ही हमें निगलने के लिए आ रहा हो। स्पेस के और सिकुड़ने से मैटर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ग्रेविटी और मजबूत होगी, और क्रंच की रफ्तार बढ़ने से तापमान भी बढ़ेगा। तब गैलेक्सीज आपस में टकराने लगेंगी, गैस के बादल आपस में टकराएंगे, ग्रह पृथ्वी से टकराएंगे। ब्लैक होल एक दूसरे के इर्द गिर्द एक विनाशकारी नृत्य करेंगे, तापमान भी लगातार तेजी से बढ़ते जाएंगे। मैटर, स्पेस और समय तब तक अंदर की तरफ फटेंगे जब तक ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज कंप्रेस होकर असीमित मास, हीट और प्रेशर का एक छोटा सा धब्बा नहीं बन जाएंगे। बिग क्रंच के आखिरी चरणों में गैलेक्सीज आपस में टकरा कर एक आदिम एटम बन जाएंगे, और फिर जीवन कायम रहना असंभव हो जाएगा। यानी हम वहीं लौट जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी, बिग बैंग पर। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसका वजूद खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बिग क्रंच से एक नई शुरुआत हो सकती है। हमें नहीं मालूम कि बिग क्रंच के खात्मे के समय क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स के नियमों की सरहदें भी टूट सकती हैं। ये मुमकिन है, और फलसफाई स्तर पर यह कल्पना करना बहुत खुशगवार है कि बिग क्रंच से दोबारा एक विस्तार की शुरुआत हो सकती है और एक ऐसा साइक्लिक यूनिवर्स पनप सकता है जो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। शायद उस वक्त फिर से पैदा होगा एक और बिग बैंग। ये सोचा जा सकता है कि जब क्रंच के दौरान सब चीजें एक साथ आएंगी तो इसे एक गर्म, सघन और समान अवस्था की तरफ धकेलें तो कोई चीज इसे आगे बढ़ते रहने से रोकेगी। ऐसे में दूसरी तरफ से ये किसी बिग बैंग जैसा लगेगा, जैसे किसी ब्रह्मांड की रचना हुई हो। हमारा बिग बैंग किसी और को बिग क्रंच लग सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिक डार्क मैटर के बिग क्रंच को समझने के करीब थे तो ब्रह्मांड ने उनके सामने एक और बड़ी चुनौती रख दी,
कोई अनजान ताकत शायद हमें एक बिल्कुल ही अलग मौत की तरफ तेजी से धकेलती लग रही थी। मेरे पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर ने मुझे नतीजे दिखाए, मैं तो कुर्सी से गिरते गिरते बचा। ग्रेविटी और एक्सपेंशन पिछले 14 अरब वर्षों से हमारे ब्रह्मांड पर कब्जा करने के लिए जूझते रहे हैं। एक्सपेंशन यानी विस्तार इसे बाहर की तरफ धकेलता है और ग्रेविटी यानी गुरुत्व अंदर की तरफ। ग्रेविटी के पास डार्क मैटर था तो लग रहा था कि जीत इसी की होगी। अतिरिक्त मास ब्रह्मांड को एक बिग क्रंच की तरफ खींच ले जाएगा, लेकिन फिर एक हैरतअंगेज खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। सन 1990 के आसपास शोधकर्ताओं की दो टीमों ने ब्रह्मांड के विस्तार के इतिहास को नापने का फैसला किया, ताकि ये तय हो कि कहीं इसकी रफ्तार इतनी धीमी तो नहीं हो रही है कि एक दिन इसे एक बिग क्रंच का सामना करना पड़े, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमेशा के लिए फैलता ही जाए। एस्ट्रोनोमर एलेक्स फिलिपेंको एक टीम में थे और दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे सॉल परलमटर। हम समझ गए कि पहली बार ऐसा मुमकिन हो रहा है कि हम इस बात की सीधी पैमाइश कर सकते थे कि अतीत में ब्रह्मांड की रफ्तार कितनी धीमी हो रही थी। दोनों टीमें दूर दराज गैलेक्सीज की रफ्तार को नापना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि ये गैलेक्सीज बेहद धूमिल और दूर दराज हैं, इसलिए ये थोड़ी चमकदार गैलेक्सीज ढूंढने लगे। पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक तारे में विस्फोट हुआ। ये एक सुपरनोवा है। ये एक दम तोड़ते तारे की आखिरी सांसें हैं। ये सूर्य के मुकाबले 5 अरब गुना ज्यादा तेजी से चमकता है बेहद थोड़े समय के लिए। ऐसे में पर्ल मटर और फिलिपेंको के पास ये नापने के लिए 1 या 2 हफ्ते का समय ही था कि ये जिस गैलेक्सी में है हमसे दूर होते हुए भी उसकी रफ्तार कितनी धीमी हो रही है। टीमें 8 साल तक सुपरनोवा को ढूंढती रही। उन्होंने 42 की पैमाइश की और नतीजे असंभव से लग रहे थे। हमने ग्राफ पर पॉइंट्स को प्लॉट किया, लेकिन कोई तुक नहीं बन रहा था। उनकी रफ्तार बिल्कुल नहीं घट रही थी, बल्कि ये तो बढ़ रही थी। इन दोनों ग्रुपों को जो मिला उससे दुनिया हैरान रह गई। पिछले 4 या 5 अरब साल के दौरान ये पता लगा है कि ब्रह्मांड के विस्तार में बहुत तेजी आती गई है और तेज रफ्तार वाले इस ब्रह्मांड को धकेल रही है कोई रहस्यमय चीज। हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा या खुद में ही ढह जाएगा, लेकिन ये शायद किसी को नहीं पता था कि ब्रह्मांड की गति तेज हो रही होगी और इसकी रफ्तार बढ़ती ही चली गई है। इस बढ़ती रफ्तार से वैज्ञानिक हैरत में पड़ गए हैं। ये बात फिजिक्स के नियमों से मेल नहीं खाती। कल्पना कीजिए कि मेरे पास एक बेसबॉल है और मैं इसे ऊपर की तरफ फेंकता हूँ। मेरे हाथों से निकलने के बाद इसे आमतौर पर धीमा होना चाहिए, लेकिन शुरू में धीमा होने के बाद इसकी रफ्तार बढ़ने लगती है। पता नहीं इसे एनर्जी कैसे मिल जाती है। और ये नई एनर्जी बिना किसी चीज के मिल रही थी, स्पेस के वैक्यूम से। किसी वैज्ञानिक के लिए वैक्यूम शब्द का मतलब है एकदम खाली जगह जिसमें कोई पार्टिकल ही ना हो, जिसका ना कोई तापमान हो और ना ही एनर्जी हो। लेकिन स्पेस और टाइम में एक ऊर्जा होती ही है। खाली जगह में एनर्जी होती है और ये एनर्जी एक ग्रेविटेशनल रिपल्शन पैदा करती है, एक तरह की एंटी ग्रेविटी पैदा करती है। ये बल क्या है या ये कैसे काम करता है, ये जाने बिना वैज्ञानिक बस इसे नाम ही दे सकते थे और ये नाम था डार्क एनर्जी। हम इसे नाम दे सकते थे वी डोंट नो एनर्जी। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये क्या है। और ये डार्क हो या ना हो, ये फिजिक्स में सबसे बड़ा रहस्य तो है। नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद डार्क एनर्जी को नापने के लिए अपने बेहतरीन स्पेस टेलीस्कोपों को कैलिब्रेट किया और नतीजे दिमाग चकराने वाले थे। ब्रह्मांड के मास के मुकाबले इसकी तादाद 3 गुना थी और स्पेस जितना ज्यादा फैलता है वहां उतनी ही ज्यादा डार्क एनर्जी महसूस होती है। डार्क एनर्जी बिना स्रोत वाली एनर्जी है और ये रिपल्सिव भी है, तो जब ये डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को धकेलती है तो ये बढ़ जाती है। वैक्यूम भी बढ़ता है और उससे रिपल्शन भी बढ़ता है, तो ब्रह्मांड की गति धीमी होने के बजाय फिलहाल जो बढ़ रही है उसका शायद यही कारण है। डार्क एनर्जी
बिग क्रंच थ्योरी को खत्म करती लगती है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं जानते कि डार्क एनर्जी, विस्तार और स्पेस किस तरह आपस में जुड़े हैं। अगर स्पेस की मात्रा का आकार दोगुना हो जाता है तो क्या उसके अंदर मौजूद डार्क एनर्जी भी दोगुनी होगी या ये उससे भी ज्यादा बढ़ेगी। एक एक के अनुपात से विस्तार एक समान रफ्तार से होता है। ऐसे में ब्रह्मांड का खात्मा होता है एक बिग फ्रीज में। लेकिन अगर डार्क एनर्जी में विस्तार की ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो ब्रह्मांड के लिए एक नया तथा और भी डरावना अंत इंतजार कर रहा है। ये है बिग रिप। बिग रिप वाली स्थिति में विस्तार इतना ज्यादा होता है कि गैलेक्सीज भी अंदर से फैलने लगती हैं, और अगर ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में हुआ तो हमारा शरीर फट जाएगा। वैज्ञानिक गणना कर रहे हैं कि बिग रिप किस तरह का होगा। एक एक करके रात के आकाश में मौजूद गैलेक्सीज दिखनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि स्पेस उन्हें प्रकाश की गति से भी ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी से दूर ले जाएगा। अंत से 6 करोड़ साल पहले डार्क एनर्जी ग्रेविटी पर पहले से कहीं ज्यादा छोटे स्तरों पर विजय पाती जाएगी। सबसे पहले गैलेक्सीज फटनी शुरू होंगी, फिर गैलेक्सीज के अंदरूनी हिस्से फटने लगेंगे, और उसके बाद सोलर सिस्टम का भी यही हश्र होगा। उसके बाद बारी आएगी ग्रहों की, फिर चट्टानों, लोगों और एटमों। अंत बड़ी बेरहमी और तेजी से होगा। कुछ ही मिनटों के अंदर ब्रह्मांड में मौजूद तमाम सितारे और ग्रह नष्ट हो जाएंगे, उनके अवशेषों के और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर आखिर में जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकंड से भी कम बचेगी तो मैटर की रचना करने वाले सब एटमिक पार्टिकल भी नष्ट हो जाएंगे। बाकी बचे रहेंगे तो सिर्फ अकेले फोटॉन, जो अपने बीच बढ़ते स्पेस की वजह से और दुर्लभ होते जाएंगे। और आखिर में बहुत ही कम ऊर्जा वाली रोशनी बचेगी, जो धीरे धीरे फैलते फैलते मौजूद ही नहीं रहेगी।